अगर आपको बनना है पूर्वी सिंहभूम चौकीदार तो हो जाइए तैयार। दोस्तों आप सबों के बीच आज हम पूर्वी सिंहभूम चौकीदार का स्पेशल वीडियो लेकर उपस्थित हो गए हैं। इस वीडियो में हम लोग पूर्वी सिंहभूम से संबंधित टोटल 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं और सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं खुद चौकीदार का एग्जाम लिख चुका हूँ और दोस्तों एग्जाम को पास भी कर चुका हूँ और वो भी मात्र 2 दिन पढ़ के। तो हम क्या पढ़ें जो मात्र 2 दिन में पास किए, ये सारी चीज़ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। और आप लोग क्या पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, सारी चीज़ हम आप लोग इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, फिर आपसे हम बात करेंगे। देखिए आज जो पहला सवाल है वो आपके स्क्रीन पे हाजिर हो चुका है। पहला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसको आप लोग टिस्को के नाम से जानते हैं का स्थापना कब की गई थी। आप लोगों को बताना है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब की गई थी। तो आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों 1907 में स्थापना किया गया था टिस्को का, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, टिस्को कौन सा नदी के किनारे स्थित है। आप लोग बताना है टिस्को कौन सा नदी के किनारे स्थित है। तब लोग याद करें दोस्तों सौरेखा नदी और खरके नदी दोनों नदी किनारे अवस्थित है, यानी दोनों हो जाएगा। जब दोनों रहेगा ऑप्शन में तो आपको दोनों लगाना है, अगर दोनों का ऑप्शन नहीं रहा मान लेते हैं, ठीक है, दोनों का ऑप्शन नहीं रहा तो आप लोग को सौरेखा नदी लगाना है। लेकिन सौरेखा नदी और खरके नदी दोनों दिया रहेगा ऑप्शन में और लिखा रहेगा इनमें से दोनों, तो आपको दोनों टिक लगाना है, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर देखिए 3, सोनारी हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है। सोनारी हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं सोनारी हवाई अड्डा का, तो देखिएगा ये जमशेदपुर में, कहाँ है, जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग का एग्जाम बहुत ही जल्दी होने वाला है तो आप लोग पूरी तरह से तैयार रहिए हमेशा, ठीक है। कभी भी आप लोग का दोस्तों अपडेट आ सकता है, कभी भी आप लोग का एडमिट कार्ड जारी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग अभी जितना समय हो सके उतना अभी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों आपका अच्छा तैयारी के लिए हम स्पेशल नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, और बनाकर रेडी भी कर दिए हैं। जिनको भी मेरे से नोट्स लेना है वो लोग मेरे से संपर्क करेंगे, ठीक है। अभी आपको हम नंबर भी देंगे जिससे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस नोट्स में आप लोग क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। आपको भी पता है अगर आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो दोस्तों अब यकीन मानिए आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि चौकीदार के एग्जाम में सिलेबस फॉलो होता ही नहीं है। आपको पता होगा सिलेबस जो दिया गया है आप लोग को उसमें क्या दिया गया है, सिर्फ आपको पढ़ना है अपना जिला से संबंधित और क्षेत्रीय भाषा। लेकिन अब भी जितना भी चौकीदार एग्जाम हुआ है झारखंड में, जितना भी जिला में, बहुत सारा ऐसा जिला जो यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा से प्रश्न पूछा ही नहीं है, ठीक है। वहाँ झारखंड जीके पूछ रहा है, वहाँ गणित पूछ रहा है, वहाँ विज्ञान पूछ रहा है, मतलब साइंस पूछ रहा है वहाँ, ठीक है, वहाँ सामान्य अध्ययन पूछ रहा है वहाँ पर। तो वो सारी चीज़ को आप लोग कवर कैसे करेंगे। आप तो बोलेंगे सर ये तो सिलेबस बहुत बड़ा तब हो गया ऐसा में। दोस्तों आपको पूरा नहीं पढ़ना है, जहाँ से प्रश्न पूछेगा सिर्फ आपको वही पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं नोट्स आप लोग जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए इस नोट्स में आपको क्या मिलने वाला है, पूर्वी सिंहभूम जीके नोट्स, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम जीके नोट्स मिलेगा, यानी पूर्वी सिंहभूम से संबंधित पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा, ठीक है, इस नोट्स से। सेकेंड है झारखंड जीके नोट्स मिलेगा आपको, ठीक है, झारखंड जीके नोट्स मिलेगा। फिर सामान्य अध्ययन नोट्स आपको दिया जाएगा, इसमें दोस्तों 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है फिलहाल में सामान्य अध्ययन से, तो आप इससे कवर आपका हो जाएगा, ठीक है, इससे आपका 2 से 3 प्रश्न कवर हो जाएगा। हालांकि आप जानते हैं जो सामान्य अध्ययन होता है ये समुद्र होता है, इसके अंदर बहुत सारा विषय आता है, ठीक है। तो अगर आप लोग पूरा सामान्य अध्ययन को पढ़ना चाहेंगे तो आपका दोस्तों 3 से 4 महीना 6 महीना भी लग सकता है, बट आपके पास उतना समय नहीं है, ठीक है। तो आपको हम शॉर्ट नोट्स देंगे जिसको लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आप आराम से एग्जाम में नंबर आराम से क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं गणित, गणित में दोस्तों आपको हम शॉर्ट नोट्स देंगे, ठीक है, जो अभी तक पूछा गया है जितना भी एग्जाम में प्रश्न गणित का, वे सारे प्रश्न एक जगह करके आप लोगों को दे देंगे, बस उतना सब लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोगों का काफी है गणित के लिए, क्योंकि गणित से भी दोस्तों बहुत सारे जिला में नहीं पूछा गया, बहुत सारे जिला में 3 से 4 प्रश्न पूछता है। तो 3 से 4 प्रश्न बनाने के लिए दोस्तों आपको पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको हम दे देंगे शॉर्ट नोट्स, उसको पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी हो जाएगा वो, ठीक है। फिर आपको मिलने वाला है 5 प्रैक्टिस सेट आपको जरूर लगा के जाना है। इससे क्या होगा आपको पता चलेगा कि आपको कितना समय लग रहा है, ठीक है, आप कितना प्रश्न बना पा रहे हैं, सारा कुछ आपका अनुभव मिलेगा जब आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तब,
पूरा जो प्रैक्टिस सेट बनेगा ये पूरा आपके चौकीदार एग्जाम को देखते हुए इसको बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा 200 एमसीक्यू प्रश्न झारखंड जीके मिलेगा, ठीक है। झारखंड जीके का 200 एमसीक्यू प्रश्न मिलेगा। अगर बाय द वे आप लोग नोट्स को नहीं पढ़ पाते झारखंड जीके का, तो अगर आप लोग 200 प्रश्न भी पढ़ चल जाते हैं दोस्तों, तो आपका अच्छा खासा काम बन जाएगा, ठीक है। फिर पूछा गया प्रश्न बुक दिया जाएगा, जो भी एग्जाम हुआ है उसमें से 4-5 जिला का हम पूछा गया प्रश्न बुक दे देंगे, जिसे आप खुद भी देख सकते हैं कि कौन सा जिला में कैसा प्रश्न पूछा है, ठीक है। और अंतिम डाउट ग्रुप, आप लोग के लिए डाउट ग्रुप बनेगा, बहुत सारा डाउट होगा आप लोगों को, ठीक है। उस डाउट को क्लियर करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, जो लोग इस कोर्स को खरीदेंगे सिर्फ उन्हीं को इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप लोग ये नोट्स को लेना चाहेंगे चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 80 84 84 62 63। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, कोशिश कीजिएगा 4 बजे के बाद मैसेज करना, ठीक है। 4 बजे से लेकर 10 बजे रात तक, ठीक है। इस समय में जो सर आप लोगों को पीडीएफ देंगे वो सर इस समय में फ्री रहेंगे। इस समय मैसेज कीजिएगा दोस्तों, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी अगर आप दिन में करते हैं तो हो सके रिप्लाई तुरंत ना मिले, ठीक है। लेकिन अगर 4 के बाद कीजिएगा तो रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा, इसको आप लोग खास ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जरूर आप लोग नोट्स ले लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों नोट्स के अंदर में आप लोग को प्रैक्टिस सेट ही मिल रहा है, अलग से आपको कोई प्रैक्टिस सेट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन में, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम जिला की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों पूर्वी सिंहभूम जिला की जो स्थापना हुआ था वो डेट है 16 जनवरी 1990, ठीक है, 16 जनवरी 1990। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर पांच है, पूर्वी सिंहभूम में कौन सा क्षेत्र तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, देखिएगा, मोसाबनी, धोबनी और सुरदा, ये सभी है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर छह है, पूर्वी सिंहभूम जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। देखिएगा, कोलहाल प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, अगला है क्वेश्चन नंबर सात है, पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय है घाटशिला, ठीक है, रखिएगा घाटशिला। नेक्स्ट बढ़िए क्वेश्चन नंबर आठ है, पूर्वी सिंहभूम जिला का क्षेत्रफल कितना है। देखिएगा, क्षेत्रफल है 3562 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 3562 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बढ़िए, देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला है क्वेश्चन नंबर 9, 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला की कुल जनसंख्या कितनी है। तो बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला की कुल जनसंख्या कितनी है। देखिएगा, 22,93,919। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार देखा जा रहा है सारे प्रश्न सभी जिला में। दोस्तों लगभग बेसिक से ही प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, तब लोग बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाकर जरूर रखिएगा, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल हो गया, कब बना है ना, कितना प्रखंड है, ये सारी चीज आप लोग जरूर पढ़ के रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर क्या है, देश का प्रथम लौह अयस्क उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। देखिएगा, जमशेदपुर में, ठीक है, जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, अगला है क्वेश्चन नंबर 11, 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो देखिएगा 644 है, ठीक है, 644, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, अगला है क्वेश्चन नंबर 12 है, 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला का लिंग अनुपात क्या है। पूर्वी सिंहभूम जिला का लिंग अनुपात क्या है दोस्तों, देखेगा 949 है, ठीक है, 949, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, अगला है क्वेश्चन नंबर 13, 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिले की साक्षरता दर क्या है। देखेगा, हो जाएगा 75.49%, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल है। पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल है, देखिएगा 2 अनुमंडल है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, अगला है क्वेश्चन नंबर 15, पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड है। अगर प्रखंड की बात करते हैं तो 11 प्रखंड है, ठीक है, कितना प्रखंड है, 11 प्रखंड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है।
देखिएगा कुल 6 विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, कुल 6 विधानसभा क्षेत्र है। नेक्स्ट बढ़िए, अगला है, निम्न में से कौन सी नदी पूर्वी सिंहभूम से होकर प्रवाहित होती है, पूर्वी सिंहभूम से होकर प्रवाहित होती है, तो स्वरेखा नदी, खरगे नदी दोनों होता है, ठीक है, यानी उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ठीक है, दोनों ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इनमें से कौन सा जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है, इनमें से कौन सा जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है, देखिएगा धारागिरी हो जाएगा, ठीक है, धारागिरी ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा उद्योग पूर्वी सिंहभूम जिले में है, कौन सा उद्योग पूर्वी सिंहभूम जिले में है, देखिएगा टाटा स्टील पूर्वी सिंहभूम जिला में ही है, हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड ये भी है, उषा माटे इंडस्ट्रीज ये भी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़े अगला प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर देखिए 20 क्या है, झारखंड में एक प्रमुख यूरेनियम की खान देश पूर्वी सिंहभूम जिले में है, यानी झारखंड में एक प्रमुख यूरेनियम की खान दोस्तों पूर्वी सिंहभूम जिले में कहां पर है, देखिए दोस्तों जादूगुड़ा, ठीक है, काफी प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए, देखिएगा झारखंड में एक प्रमुख यूरेनियम की खान जादूगुड़ा पूर्वी सिंहभूम जिले में है, ठीक है, जादूगुड़ा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर है 21, इनमें से कौन सा खनिज पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रमुखता से पाया जाता है, देखिए दोस्तों लो अयस्क ऑप्शन नंबर सी, लो अयस्क पाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 22 क्या है, पूर्वी सिंहभूम जिला में कौन कौन सा अनुमंडल है, देखिएगा कौन घाटशिला और ढालभूम दोनों है, यानी दोनों हो जाएगा, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिला में घाटशिला और ढालभूम दोनों अनुमंडल है, ठीक है, दो ही अनुमंडल है पूर्वी सिंहभूम में, तो ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, पूर्वी सिंहभूम से होकर कौन कौन से नदी गुजरती है, पूर्वी सिंहभूम से होकर कौन कौन सा नदी गुजरती है, देखिएगा इनमें सभी, ठीक है, यहाँ जो दिया हुआ इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है, स्वरेखा नदी, करनाला नदी, खरगे नदी सभी बहता है, तो इनमें सभी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या देखिए, इनमें से कौन सा प्रखंड पूर्वी सिंहभूम में नहीं है, पूर्वी सिंहभूम नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों, घाटशिला तो पूर्वी सिंहभूम में ही है, मुसाबन पूर्वी सिंहभूम में ही है, भरागोड़ा भी पूर्वी सिंहभूम में ही है, ठीक है, ये जो गोला है दोस्तों पूर्वी सिंहभूम नहीं है, ये रामगढ़ में एक प्रखंड है दोस्तों गोला, तो बोला इनमें से नहीं पूछा है तो नहीं क्या गोला, यानी ऑप्शन नंबर पहला इस का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इतना ही प्रश्न था। तो अगर आप लोग वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक के साथ साथ सुधीर क्रिएटिव क्लासेस को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कभी क्योंकि दोस्तों अभी बहुत सारा वीडियो अपलोड होने वाला है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।